हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर सिस्टर्स में। फ्रेंड्स, लौकी की सब्जी तो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन आज हम बनाएंगे बिना फ्राई किए हुए लौकी के कोफ्ते, जो कि सभी को पसंद होते हैं। और बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे तो हेल्दी भी हैं। तो आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक छोटे साइज़ की लौकी ली है, इसको छील कर धो लिया है। अब इसको ग्रेटर में मोटे साइड वाले हिस्से से हम ग्रेट कर लेंगे। और अब एक बाउल में मैंने 4 चम्मच के करीब बेसन लिया है और ये ग्रेट की हुई लौकी को इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमें पानी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी में पहले से ही पानी होता है। और साथ ही में हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, और आप चाहें तो यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मिश्रण तैयार है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के छोटे छोटे पोर्शन लेके इसकी हमें नींबू के साइज जितनी छोटी छोटी बॉल्स तैयार करनी है। तो इस तरीके से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। अब गैस में अप्पे मेकर रखेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और ये जो बॉल्स हमने तैयार की हैं, ये सभी सांचों में रखते जाएंगे। और इसके बाद हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं और इसको पलट लेते हैं। तो ये नीचे से सिक चुकी हैं। अब इसको पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देते हैं, तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर, 3 मीडियम साइज के प्याज, 5-6 लहसुन की कली और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पर हम टमाटर की अलग से प्यूरी बनाएंगे और प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। तो 5 मिनट बाद हम इसको भी पलट के देख लेते हैं। तो ये बॉल्स हमारी लगभग सिक चुकी हैं। और थोड़ी सी आपको लगे जहाँ से नहीं सिकी हैं, तो पलट कर 2-3 मिनट के लिए दूसरी साइड से और सेक लीजिए। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है, लेकिन बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि फ्राई करके जो लौकी के कोफ्ते होते हैं बहुत ही ऑयल पी लेते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। इस तरह आप बनाएंगे तो इसमें बहुत ही कम, 2-3 बूंद के करीब ऑयल लगेगा। तो आप कभी भी कोफ्ते खा सकते हैं, बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी कोफ्ते खाने का मन हो तो इस तरीके से आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 3 चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हमने जो प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था उसको ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ पर हमारे लौकी के बॉल्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं, तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमारा मसाला भी तैयार हो गया है, प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई है वो ऐड कर देंगे। और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल के मसालों को हम पकने देंगे। जब तक कि मसालों से तेल ना दिखाई देने लगे, हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है।
और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी डाल देते हैं और एक चम्मच पानी डाल के इसको एक बार मैं फिर से भून लूँगी। तो मसाला तैयार हो चुका है, ये देखिए साइडों में ऑयल भी आ चुका है। अब यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालेंगे। मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के हम ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। और अब ये हमारे सभी लौकी के बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, एकदम चारों तरफ से परफेक्ट सिक चुके हैं। तो ग्रेवी में उबाल भी आ चुका है, अब हम इन बॉल्स को ग्रेवी में ऐड कर देंगे। और 5 मिनट तक अच्छे से इसको पकने देंगे ताकि जो हमारे लौकी के बॉल्स हैं, लौकी के कोफ्ते हैं, उनमें मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते बनकर एकदम रेडी हैं, वो भी बिना फ्राई किए हुए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।